आज आपको मेरी आवाज थोड़ी सी अलग सुनाई दे रही होगी, क्योंकि यार बहुत तेज से जुखाम है। अब चाहे जुखाम हो चाहे बुखार हो, आपके लिए तो यार वीडियो लाना होता है। और अभी इंडिया में दो बाहुबली वाले फोन लॉन्च हुए हैं, वो भी रियलमी की तरफ से। एक है रियलमी का 5 प्रो और दूसरा है रियलमी का 5। और ये दो फोन है ना, ये बड़े मस्त है। और इन दो फोनों ने तीन फोनों की यार बिल्कुल वॉट्स ही लगा दी है। एक है रेडमी का नोट 7 प्रो जो आता है 14,000 रुपए का, और दूसरा है वीवो का Z1 प्रो जो आता है 15,000 रुपए का, और Realme के 5 Pro आता है 14,000 रुपए का। 14,000 रुपए में आपको 4 कैमरे मिल गए और यहाँ पर आपको सब कुछ परफेक्ट मिल गया है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना लिए हैं, यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो कृपया करके आप उस वीडियो को देख लीजिए, बट पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं Realme के इस डिवाइस के बारे में जो है Realme का 5। और यार यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बड़ी सी बैटरी मिल जाती है, आपको परफॉर्मेंस के लिए जो प्रोसेसर मिलता है वो भी काफी कमाल का है, और साथ में आपको 4 कैमरे मिलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कैमरे के बारे में कि भाई इस फोन का जो कैमरा है वो कैसा है। और मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर आपको 4 कैमरे मिलते हैं। यहाँ पर जो पहला वाला है 12 मेगापिक्सल का, और ये जो सेंसर है ये है सोनी का IMX386। और उसके बाद में आपको एक मिल जाता है अल्ट्रा वाइड वाला जो है 8 मेगापिक्सल का, और भाई उसके बाद आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का जो है भाई माइक्रो शॉट्स के लिए, और उसके बाद आपको मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का जो है पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए। मतलब यहां पर आपको कैमरा काफी कमाल का मिलता है, और आगे की तरफ आपको सेल्फी के लिए मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का। देखने में और सुनने में ये फोन बहुत अच्छा दिखता है, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई इसके अंदर जो कैमरा है वो कितना अच्छा है। सबसे पहले मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूं कि यार यहां पर आपको क्या कुछ सेटिंग मिलती है। जब भी आप कैमरे की सेटिंग में जाएंगे तो अब आप ये देख लीजिए, यहां पर आपको फोटो का ऑप्शन मिल जाता है, पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है, वीडियो मिल जाता है, और यदि आप यहां पर सेटिंग में क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। यहां पर आपको नाइट स्केप मोड मिल जाता है, पैनोरामा मोड मिल जाता है, और उसके साथ साथ यहां पर आपको एक्सपर्ट मोड मिल जाता है, टाइम लैप्स मिल जाता है, स्लो मोशन मिल जाता है, और सबसे आखिरी में आपको मिलता है अल्ट्रा माइक्रो। मैं आपको दिखाऊंगा कि यार ये कैसे काम करता है, और ऊपर की तरफ आपको यहां पर क्रोमा बूस्ट भी मिलता है, ये देखिए यार, और ये देखिए ऑन हो गया ऑफ हो गया। और यदि आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो यहां से आप 4K वाले वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये देखिए यहां पर 4K का ऑप्शन मिल जाता है। और साथ में यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि भाई यदि आप वीडियो को हटा देते हैं फोटो में तो यहां पर आपको ये देखिए अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिल जाता है, और सारी की सारी चीजें आपको ऊपर मिल जाती है। यहां पर आपको स्लो मोशन, टाइम लैप्स सब कुछ मिल जाता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि भाई इसका स्लो मोशन और टाइम लैप्स कैसा है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल वाली फोटो से जो आप दिन में लेते हैं। सबसे पहले आप थोड़े से सैंपल देख लीजिए। अब मैं आपको ये बता दूं, डे लाइट कंडीशन में इस फोन से जो फोटो आप लेंगे आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सब में आपको काफी पंची कलर दिखेंगे। बट मैं आपको इतना कह दूं, कभी कभी ये बहुत ज्यादा वाइट हो जाता है, ऐसा लगता है कि भाई कहां की रोशनी आ गई, और कभी कभी यहां से आप फोटो अच्छी नहीं ले पाएंगे। एक चीज तो है, जब भी आप इन फोटो को फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम में डालेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगी, क्योंकि यार 10,000 वाले फोन से आपकी कमाल की फोटो आ जाती है, और आजकल तो सबके पास फोटो 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 ही रहता है। तो भाई यदि आपको ऐसा फोन चाहिए जहां से आप डे लाइट कंडीशन में अच्छी खासी फोटो ले लें तो आपको ये फोन लेना चाहिए। चलिए अब मैं आपको थोड़े वाइड एंगल वाले शॉट दिखा देता हूं। ये सारे के सारे आपने वाइड एंगल वाले शॉट देख लिए। वाइड एंगल में आप काफी चौड़े होकर फोटो ले सकते हैं, और फोटो की जो क्वालिटी है वो भी आपको काफी कमाल की मिल जाती है। बट मैं आपको एक चीज और क्लियर कर, जब भी आप फोटो को जूम करेंगे तो यार आपको उतनी अच्छी डिटेल नहीं मिलेगी, बस आपको फोटो देखने में बहुत अच्छी लगेगी। चलिए अब मैं आपको थोड़े से पोर्ट्रेट शॉट दिखा देता हूं। सबसे पहले आप ये सारे के सारे पोर्ट्रेट शॉट देख लीजिए, तब मैं आपको बताऊंगा कि यार इसके पोर्ट्रेट शॉट कैसे हैं। आपने सारे के सारे
सारे पोर्ट्रेट शॉट्स देख लिए और यहाँ पर रियलमी को काफी काम करने की जरूरत है, क्योंकि पोर्ट्रेट शॉट्स में जो यार यहाँ पर कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर उतना अच्छा फिनिश नहीं आता है और कहीं ना कहीं आपका जो वाइड बैलेंस है उसमें भी काम करने की जरूरत है। और साथ में रियलमी को यह भी देखना पड़ेगा कि फोटो का जो इफेक्ट है वो आना चाहिए, ऐसा ना हो जाए कि बाल की जगह कुछ और ही दिख रहा है, मतलब शार्पनेस आपको उतनी ज्यादा नहीं दिखेगी। तो यार पोर्ट्रेट मोड में अभी भी रियलमी को काफी काम करना है इस डिवाइस में। माइक्रो शॉट्स आपको देखने में अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन जब भी आप जूम करेंगे तो यार यहाँ पर भी डिटेल की कमी है और यार आपको 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है यहाँ पर माइक्रो शॉट्स के लिए लेंस। तो मैं तो इतना कहूंगा कि यार यहाँ से आपकी ठीक ठाक इमेज आती है। अब मैं दिल के लिए इतना कहूंगा कि यार यहाँ पर आपको अच्छी खासी इमेज देखने को मिलती है, बस यहाँ पर जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं वहां पर काम करने की जरूरत है। और कभी कभी ज्यादा फोटो वाइट हो जाती है तो थोड़ा सा रियलमी वहां पर भी ध्यान दे दे तो और ज्यादा मजा आ जाएगी। चलिए अब दिल में एक बार वीडियो भी रिकॉर्ड करके देख लेते हैं कि भैया इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कैसी है। और यहाँ पर आपको EIS भी मिलता है। अब मैंने पार्क में दौड़ लगा दी है, अब आप मुझे बताइए कि यार कैसी क्वालिटी आ रही है और यहाँ पर वीडियो स्मूथ बन रहा है कि नहीं बन रहा, कितना हिल रहा है, क्योंकि यार जब आप देख रहे हो ना तो आपको सब कुछ का आइडिया लग गया होगा। और आप फोन जब बाय करते हो ना तो भाई आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीचे कमेंट करिए कि भाई यहाँ पर आपको कैसा वीडियो देखने को मिल रहा है। पहले आपने देखा 1080p वाला वीडियो और अब आप देख लीजिए 4K वाला वीडियो। अब आप बताइए कि यार 4K में इसकी कैसी क्वालिटी है और वीडियो देख के आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपने 1080p और 4K वाला वीडियो देख लिया, बट मैं इतना कहना चाहूंगा यहाँ पर जो कलर है वो काफी पंची दिखते हैं, काफी ब्राइट दिखते हैं और साथ में जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो यार देखने में बहुत अच्छा दिखता है। बस यहाँ पर EIS में काम करने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी ऐसा दिखता है कि यार जो वीडियो है ना वो उतना स्मूथ नहीं है और ये सारी की सारी चीजें फिक्स हो सकती है। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी काफी कमाल की बन जाती है। अब एक बार ये देख लेते हैं जो सेल्फी कैमरा है वहां से कैसे वीडियो रिकॉर्ड होते हैं। अब ये जो वीडियो है ये इसी के फ्रंट फेसिंग कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है और धूप भी निकली हुई है। अब आप बताइए कि यार आपको कैसा वीडियो दिख रहा है और साथ में मेरी जो आवाज है वो आपको कैसे सुनाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनल माइक है इसी से सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। अब आप नीचे कमेंट करके बताइए कि यार आपको कैसा लग रहा है। सेल्फी कैमरे से आप 1080p तक के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी आपको ठीक ठाक दिख जाती है। अब मैं आपको यार स्लो मोशन वाले भी वीडियो दिखा देता हूँ, फटाफट आप देख लीजिए। स्लो मोशन वीडियो भी आपको ठीक ठाक क्वालिटी दे देते हैं। अब चलते हैं एक बार सेल्फी कैमरे की तरफ। सेल्फी कैमरे में आपको दिन में काफी अच्छी इमेज देखने को मिल जाती है, बस यार यहाँ पर जो आपका कलर है वो ज्यादा ब्राइट हो जाता है, ज्यादा व्हाइट हो जाता है और इसमें रियलमी को काम करना चाहिए। अब चलते हैं फटाफट रात की तरफ और रात में सबसे पहले हम नॉर्मल कैमरे से जो फोटो ली गई है उसको देख लेते हैं। रात में जब भी आप नॉर्मल कैमरे से फोटो लेंगे तो आपको ग्रेन से देखने को मिलेगा। तो यार अब क्या करें, 10,000 रुपए का फोन है और यदि आपको आपकी फोटो को ज्यादा ब्राइट करना है, अंधेरे में फोटो लेना है तो आपको नाइट स्केप मोड भी मिल जाता है। अब मैं फटाफट आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ। अब आपने देख ही लिया कि यार यदि आप नाइट में फोटो लेते हैं तो यार नाइट स्केप मोड के बाद आपकी जो फोटो है यहाँ पर आपको काफी अच्छे कलर देखने को मिल जाते हैं। बस मैं आपको इतना कहूंगा जब भी आप ज्यादा जूम करेंगे ना तो यार आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यार ये फोन आता है 10,000 रुपए का। रात में यदि आप सेल्फी कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपको ठीक ठाक वीडियो क्वालिटी मिल जाती है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि यार इस फोन का कैमरा क्या सही है या गलत है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है इस फोन का जो प्राइस है वो है केवल 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में आपको 4 कैमरे वाला फोन मिल गया। जो फोटो है वो आपको कमाल की दिखती है और यदि इन फोटो को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर में अपलोड करेंगे तो आप
आपको काफी मजा आने वाला है। और यदि आप ये सोचेंगे कि नहीं यार इसको मैं प्रिंट करा लूं, तब तो यार आपको सोचना पड़ेगा, बस यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में काम करने की जरूरत है। और जो सेल्फी कैमरा है ये थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट हो जाता है। ये सारी की सारी चीजें रियलमी फिक्स कर सकता है। और जब भी यहाँ पर कोई भी अपडेट आएगा तो यार मुझे ऐसा लग रहा है ये चीजें धीरे धीरे करके फिक्स हो जाएगी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यार अभी ये जो फोन आया है 10,000 रुपए का, क्या ये फोन इंडिया में टिक पाएगा? और जो दूसरे हाथ में मेरे फोन है Realme का 5 Pro, क्या ये फोन धांसू है कि नहीं है? और अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो यार आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और यहाँ पर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि आपको ऐसे वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगी, इसे प्रेस कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।